व्हाट्सअप भाई, देखो इस वाले के लिए पर्सनली लाइक पर्सनल एक्साइटमेंट है. सो मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है कि तू है कहाँ में, हम लोगों ने क्या करा है. रेज क्रिएट कर दिया, नंबर वन गाना स्पॉटिफाई पे वो बन गया था जो हमने कवर करा था. उसके 5 लाख व्यूज थे, आज उसके 60 मिलियन व्यूज होने वाले हैं. ठीक है, सो लाइक कुछ तो अलग भयंकर चीज हो गई, कुछ तो दुनिया की एनर्जी, प्लैनेट्स की एनर्जी, मेरी बातें, आपके इमोशन सब मिलकर कुछ तो भसड़ बचा दी हम लोगों ने. अब कल मैं इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहा था, मुझे तू है कहाँ का एक फीमेल रिप्लाई वर्जन मिला और मैंने उसका कुछ पता नहीं, जितने भी सेकंड की रील है मैंने वो देखी, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया. अभी मैंने ढूंढा, मुझे वो यूट्यूब पे मिल गया है. तू है कहाँ रिप्लाई वर्जन फीमेल, आर्टिस्ट का नाम है शुद्धि म्यूजिक. देखते हैं कि इन्होंने क्या रिप्लाई करा है. मैंने कुछ कुछ बातें तो रील्स में सुनी थी, सीधे यहाँ पे लगी थी. अब सोचा साथ में आप लोगों के साथ देखा जाए कि इन्होंने इस गाने में फीमेल पर्सपेक्टिव क्या रखा है. तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ. ओह यस, सो 3 2 1 हियर वी गो. ओके, थोड़ा सा स्केल को चेंज करा गया है, आई कैन लिसन इट, जो गाने के ओरिजिनल स्केल है. न बढ़ सके जो तुम तो हम भी ठहरे आशिकी में, मैं आखिरी वो पत्ता रह गया जो शाख ही में, तेरी आस ही में देखती थी राह भी में, कारवाए गम फरोश दर्द ही था वापसी में. उफ, 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 लाइन टू लाइन जाया जा रहा है यहाँ पे, भी ठहरे लाइन टू लाइन रिप्लाई की कोशिश करी जा रही है. न बढ़ सके जो तुम तो हम भी ठहरे आशिकी में, जो मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में. ठीक है, तो वहां वो हद से आगे बढ़ गया था और यहाँ पे बोल रहे कि जो तुम आशिकी में मेरे पास नहीं आ पाए, तो हम भी ठहर गए आशिकी में, हम भी आशिकी के बाहर नहीं जा पाए, हम भी उसकी वजह से ठहर ही गए अपने जीवन में. वहां पे हद से आगे बढ़ गए थे, यहाँ पे उसी चीज को फ्लिप करके बोला गया कि हम तो आशिकी में ठहर ही गए, हम तो कहीं जा ही नहीं पाए. मैं आखिरी वो पत्ता रह गया जो शेख ही में, तेरी आस ही में देखती थी राह भी में, कारवाए गम फरोश दर्द ही था वापसी में. है ना, जो छू के आया तो सब मिल गया था खाक ही में. है ना, तो उसमें लाइन थी कि जो मैं मजाक मजाक में आगे बढ़ गया था और वो टच करके जो अपने प्यार को आया और सब पता लगा कि मेरा तो सब कुछ खाक हो गया है. तो यहाँ पे सही में देखती थी राह भी में, कारवाए गम फरोश दर्द ही था वापसी में. इनका भी वही है कि वो जो हमारा कारवा था प्यार का, बहुत ही गम से भरा हुआ था. है ना, और दर्द ही था, इनकी भी वापसी में दर्द ही था, और उनका वो छू के आए थे खाक बन गया था, यहाँ पे सब वापसी में दर्द ही था. ओके, अलम से दर्द करवाया तुझे बुलाए, हाथ थाम तेरा हाल फिर बताएंगे. उसमें वो लिखता है ना कि मैं तो लिखता हूँ, है ना, कि तेरे बारे में, है ना, एक सवाल है कि तुझे भूल जाऊं या तेरे तुझे मैं याद करूं, है ना, लिखूं, है ना. तो यहाँ पे कलम से कर बया तुझे हम बुलाएंगे. ओके, देखती थी राह भी में, कारवाए गम फरोश दर्द ही था वापसी में, कलम से दर्द कर बया तुझे बुलाएंगे. एक तो एक चीज और, इनकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है. दूसरी चीज ये, कलम से कर एक बार मुझे लेटर लिख के देख तुझे बुलाएंगे. शायद यही मतलब है भाई, मैं तो अपने, मतलब जो मेरे इमोशन है मैं उससे गाना था. हर आदमी अपने इमोशन से गाना समझा करो यार, किसी को फेक या किसी और रिएक्शन चैनल की जरूरत नहीं होनी चाहिए गाने समझने के लिए. मेरे साथ आके खाली वाइब करो, लेकिन जो तुम्हारे ओरिजिनल इमोशन है उनको रिस्पेक्ट करो और वैसे गाने समझो भाई. हाथ थाम तेरा हाल फिर बताएंगे, फकत किया तो ऐसा हो तेरे हो जाए हम, जो तेरे ना हुए खुदा के घर को जाएंगे, जो देख पाते दिल में होते क्या इल्जाम कोई, थक चुकी है आंखें जैसे सूखा दरिया कोई, पूछता है मुझसे पूरा माशरा ये अब, पूछ ले जो बाकी रह गया सवाल कोई. वही मैं कहता हूँ ना, यहाँ मैं पिघल जाता हूँ, वो एक एक लाइनें होती हैं ऐसी टच करती हैं भाई कि तुम्हारा भाई सेंटी हो जाता है. मुझसे पूरा माशरा लाइनें सुनो, लाइनें के घर को जाएंगे, जो देख पाते दिल में होते क्या इल्जाम कोई, थक चुकी है आंखें जैसे सूखा दरिया कोई, चुकी आंखें जैसे सूखा दरिया कोई. जब दरिया सूख जाता है तो वहां क्या बंजर था निकल के आता है. और यहाँ भी जो है इतने आंसू बहा दिए कि अब वो मेरा जो चेहरा, मेरी आंखें, पूरा बंजर सा वो सूख अजीब हो गया है. मुझसे पूरा मशरा अब, पूछ ले जो बाकी रह गया सवाल कोई. मैं कहता हूँ ना भाई, तुम्हारा भाई बहुत सेंटी होता है ढंग की लाइनें सुन के. सो ठीक है, एक सवाल है ना तुझे, मैं है जो तुझे भूल जाऊं या तुझे मैं याद करूं. ठीक है, यहाँ पे कि मुझसे सब तो पूछते रहते हैं जब से तेरी मेरी कहानी खराब हुई है, जो भी हुआ है, पूरी दुनिया तो मेरे पीछे पड़ी हुई है, पूरा माशरा तो मेरे पीछे पड़ा ही हुआ है. जहां मैं जाती हूँ सब मुझे अपने सवालों से छन्नी कर ही देते हैं, इतने टाइप के सवाल परेशान हो गई हूं मैं. और अब तेरा भी अगर कोई बच गया तो तू भी पूछ ले मेरे से. सब तो अपनी बातें हो ही गई थी, सब तो मैंने समझा ही दिया था, सब तो मैंने अपने आप को ओपन अप कर ही दिया था. अब तेरा भी कुछ बचा है तो बता दे मुझको. फीमेल पर्सपेक्टिव ब्रो, ठीक है, लाइक हाँ हम लड़के हैं, हम खाली मर्दों की बातें करते हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमें भी समझ आता है सामने वाले का दुख दर्द. वही हमने बोला था
अगर हालात की वजह से छोड़ के चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, लेकिन दो पांच करने वाले जो हों उनके पास ना जाना। लेकिन जो ऐसे जो आप दे रहे हैं फिर उनके लिए दिल में कोई वो भी ना रखना, गुस्सा भी ना रखना, ठीक है, उनके लिए दिल में कोई जलन भी ना रखना, कोई वो एंगर ना, हेट ना रखना, ठीक है, क्योंकि उसका भी पर्सपेक्टिव है, उसके भी हालात है। तो यहाँ पे उसके हालात जा रहे हैं ब्रो, कि सबने तो मेरे को मैं पागल हो गई हूँ, अब तेरा भी कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले यार तू। मैं होते क्या इल्जाम कोई, थक चुकी है आंखें जैसे सूखा दरिया, कोई पूछता है मुझसे पूरा माशरा, अब पूछ ले जो बाकी रह गया सवाल कोई, पर जवाब बोलो तू मैं तुझको तुझसे पहले कर दो आसमां हवाले। पुराने गाने की लाइनें चलने रखती है तो मैं कनेक्ट कर रहा होता हूँ। पर जवाब बोलो तू मैं तुझको तुझसे पहले कर दो आसमां हवाले, जिसमें मेरा भी उब जान, मेरी जान घर ये बिन तेरे मशान, सुनिए दर्द की आवाज मुझको थाम भी ले, चाल क्या चलूं जिसमें तुझको हार दूंगी, तेरे प्यार की कसम मैं सब ये वार दूंगी, तुझे पसंद जो ना हो। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस पर्सपेक्टिव के लिए थोड़ा सा ऑफ कैमरा होना पड़ेगा, क्योंकि उफ 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 ये गाने देखो भाई, ये गाने ने मुझे बहुत अंदर तक हिट करा है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो ब्रेकअप वाला सीन होता है ना, मैं उससे तो ऊपर आ चुका हूँ, लेकिन वो मेल और फीमेल की जो एक जंग चल रही होता है इमोशनली, है ना, उससे मैं ऊपर नहीं आ पाया। तो चाल चल तू मैं तुझे पहचान लूंगा, ठीक है, यही होता है कि बंदी चाल चलती, यही है लड़कों के बारे में कि वो चाल मैं पहचान लूंगा। यहाँ पे जवाब क्या है, ठीक है, मशान सुनिए दर्द की आवाज मुझको थाम भी ले, चाल क्या चलूं जिसमें तुझको हार दूंगी। जानबूझ के ऑफ कैमरा हो रहा भाई, क्योंकि उफ, 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 मैं इस पर्सपेक्टिव से नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं मिले ना, ऐसी एक ही इंसान है ना, मतलब वो जवाब वो नहीं मिली ना हमें वाली बातें कि चाल क्या चलूं मैं तुझे हार दूंगी। मेरे साथ तो जो चालें चली जा रही थी उसमें तो खाली यही था कि हार तो छोड़ तुझे दफना दूंगी, ठीक है, और यहाँ पे जो इफ ऐसी बंदियां आएंगी तब तो यार फिर क्या ही करूँ, मैं कहता हूँ ना मैं पिघल जाऊंगा भाई फिर। तो यहाँ पे चाल क्या चलो जिसमें तुझको हार दूंगी, तू मुझ पे इल्जाम लगाता रहता है कि मैं चाल चलती हूँ, मेरे मन में ये है वो है, लेकिन मैं क्या चाल चलूँ यार, मैं तुझे हार नहीं सकती, लाइक क्या उफ उफ। इसलिए कहते हैं भाई दोनों साइड की कहानी पता होना बहुत जरूरी होती है, कभी जजमेंट ना पास करना किसी कपल के ऊपर जब तक दोनों साइड के दोनों सिक्के के पहलू ना देख पाओ भाई। ये दर्द की आवाज मुझको थाम भी ले, चाल क्या चलूं जिसमें तुझको हार दूंगी, तेरे प्यार की कसम मैं सब ये वार दूंगी, तुझे पसंद जो ना हो रबता मेरा किसी से, मैं तेरे होके पूरी जिंदगी गुजार लूंगी, क्या ख्वाब में ही जा हम तेरे हो सकते हैं, ऐसा हो तो सारी उम्र हम भी सो सकते हैं। क्या क्या मेरे क्या तेरे आंसू मेरे हो सकते हैं, अगर ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रो सकते हैं, तुझे पसंद धीमा लहजा। और तो वहां पे क्या तेरे आंसू मेरे हो सकते हैं, यहाँ पे क्या खाब ही में हम तेरे हो सकते हैं, एंड अगर ऐसा है तो मैं पूरी जिंदगी सोती रहूंगी। सॉरी मेरी आवाज थोड़ी शेकी हो रही है, क्योंकि जब आंखों में आंसू और चेहरे में तुम्हारे लिए स्माइल रखनी होती है ना भाई, तो बड़ा मुश्किल होता है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। बट दीज लाइन्स ब्रो इट्स नॉट अबाउट द ब्रेकअप, इट्स अबाउट द इमोशनल। मैं वो इंसान हूँ ना, मैं सामने वाले का दर्द मेरे सीधे यहाँ पे तक आता है। मैं बहुत ही बड़ी सेम है सेंसिटिव इंसान हूँ, ठीक है। उसकी लाइनें सुनो एक बार, कि क्या खाब ही में हम तेरे हो सकते हैं, अगर ऐसा है तो तेरे खातिर हम सारी उम्र सो सकते हैं। डैम ब्रो, मैं तुझको हार दूंगी, तेरे प्यार की कसम मैं सब ये वार दूं। मुझे नहीं पता था मैं इसमें रोने वाला हूँ, मैंने इसका थोड़ा इंस्टाग्राम रील पे देखा था, मुझे तब भी मजे ही आ रहे थे, आई वॉज टच्ड, बट मुझे नहीं पता था कि जब मैं ये गाना बैठ के सुनूंगा तो फिर ये सीन होने वाला है। तुझे पसंद जो ना हो रबता मेरा किसी से, मैं तेरे होके पूरी जिंदगी गुजार लूंगी, क्या ख्वाब में ही जा हम तेरे हो सकते हैं, ऐसा हो तो सारी उम्र हम भी सो सकते हैं, दे बता तू मुझको एक ही वजह, मैं उस वजह से जिंदगी अपनी पूरी तन्हा ही गुजार लूंगी। एक रीजन दो। यू नो व्हाट, लव इज एन वेरी अंडरएस्टिमेटेड इमोशन, आई वुड से, लाइक आज के जमाने में बहुत ज्यादा निब्बा निब्बी हम लोगों ने कर दिया है, और ये सब हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या शब्द डाल दिए हैं। मुझे ट्रू ओल्ड स्कूल रोमांस था ना भाई, उसकी बात ही अलग है भाई। मुझे नहीं पता तुमने आज तक वो फील करा, आजकल लोग सेक्स जल्दी फील कर लेते हैं और लव उनको शायद पूरी जिंदगी फील नहीं हो पाता, ठीक है। बहुत अजीब सी दुनिया ये हो गई है, यहाँ पे हमें बहुत कम उम्र में सेक्स मिल जाता है और ता उम्र प्यार नहीं मिल पाता,
मैंने फील करे हैं दोनों चीजें तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे जो उसने लाइन बोली है ना, एक बार लाइन सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तेरे हो सकते हैं ऐसा हो तो सारी उम्र हम भी सो सकते हैं, दे बता तू मुझको एक ही वजह, मैं उस वजह से जिंदगी अपनी पूरी तन्हा ही गुजार लूंगी। एक रीजन, सिर्फ एक रीजन दो, सिर्फ एक रीजन दो, ठीक है। आई कैन लिसन, आई एम लिसनिंग टू दिस सॉन्ग फ्रॉम बोथ द साइड, मतलब मैं इस लाइन को एक मेल और फीमेल दोनों के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, बट क्योंकि ये रिप्लाई है और आदमियों ने एक बात कही है ना, मेल ने एक बात कही है, उसका रिप्लाई दे रही है, एक रीजन दो, मैं अकेले गुजार दूंगी। ऐसी भी होती है ब्रो, नहीं मिलती हैं, लेकिन जिनको मिलती हैं बहुत लकी होते हैं भाई। ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स फॉर माय पार्टनर। तो मुझको एक ही वजह, मैं उस वजह से जिंदगी अपनी पूरी तन्हाई गुजार लूंगी। मेरी मोहब्बतों की इंतहा क्या याद नहीं है, किया क्या कुछ ना तेरे खातिर, पर वो बात नहीं है। क्या मेरी मोहब्बतों का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि तेरी आंखों में मेरे लिए कोई खाब नहीं है। तो यहाँ पे है कि क्यों, क्या मेरी मोहब्बतों का कोई हिसाब नहीं है। वजह में उस वजह से जिंदगी अपनी पूरी तन्हाई गुजार लूंगी, मेरी मोहब्बतों की इंतहा क्या याद। जब उसने बोला कि क्या मेरी मोहब्बतों का कोई हिसाब नहीं है, तो ये क्या कह रही है, क्या मेरी मोहब्बतों की इंतहा याद नहीं है। मतलब एक तरफ वो कह रहे हैं कि मेरी हिसाब नहीं है तुम्हारे पास, लाइक मैं इतनी चीजें मैंने करी हैं तुम्हारे लिए, यहाँ पे ये कह रही है कि मैंने इतनी इंतहा पार कर दी थी, है ना, इतना एक्सट्रीम लेवल पे तुमसे प्यार करा था, क्या क्या चीजें मैंने एक्सट्रीम जाके तुम्हारे लिए करी है, क्या तुम्हें वो याद नहीं है जो तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि क्या मेरी मोहब्बतों का कोई हिसाब नहीं है। अपनी पूरी तन्हा ही गुजार लूंगी, मेरी मोहब्बतों की इंतहा क्या याद नहीं है, किया क्या कुछ ना तेरे खातिर, पर वो बात नहीं है। तू चाहे बेवफा ले मान मेरा रब मेरा ईमान, तुझसे प्यार कितना बस यही हिसाब नहीं है। क्या मेरी मोहब्बतों का कोई हिसाब नहीं है। मैं मुझे फीमेल पैदा होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है रोमांटिक गाने सुनते टाइम, लाइक व्हाट द फक मैन। मैं वो आदमी मुझे कभी रोमांटिक मूवीज नहीं देखता, बिकॉज आई हेट द शिट। और यहाँ मैं यार मोहब्बत के गाने सुन के कैमरा पे रो रहा हूँ। वाह भाई वाह मिस्टर, क्या बात है। बेवफा ले मान मेरा रब मेरा ईमान, तुझसे प्यार कितना बस यही हिसाब नहीं है, है ना। तो क्या मेरी मोहब्बत का हिसाब नहीं है, कह रही है मुझे ये हिसाब नहीं है बस कि मैंने तुमसे कितना प्यार करा है, बस मुझे इसका हिसाब नहीं है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। नहीं है कितनी रातें नम थी आंखें, तूने तब नहीं था देखा, तुझसे मिली जब भी आके मुस्कुरा के तुझको। क्या क्या क्या, ओह मुझे वो लाइन नहीं याद आ रही है। मान मेरा रब मेरा ईमान, तुझसे प्यार कितना बस यही हिसाब नहीं है, कितनी रातें नम थी आंखें, तूने तब नहीं था देखा। गा लेता हूँ मोहब्बत में तेरी याद में, मौसिकी नहीं है पेशा, इसके पहले वाली मुझे नहीं याद आ रही। कितना बस यही हिसाब नहीं है, कितनी रातें नम थी आंखें, तूने तब नहीं था देखा, तुझसे मिली जब भी आके मुस्कुरा के तुझको देखा। हंसने का जिक्र तो खैर छोड़े, अब एक अरसे से आंखों ने तुझे नहीं जो देखा, आंखों ने सदा तुझको दी है, कहाँ है तू यहाँ क्यों नहीं है, दिल को है। आंखों में एक ऐसी नमी है, आंखों ने सदा तुझको दी है। सदा बोले तो वो होता है ना यार, मुझे नहीं पता सदा लॉन्गिंग को बोलते हैं या फिर सदा उसको बोलते हैं कि विश, I mean, आशीर्वाद, I don't know man, सदा I think longing को बोलते हैं यार, है ना, I'm not एक sure। अरसे से आँखों ने तुझे नहीं जो देखा, आँखों ने सदा तुझको दी है, कहाँ है तू यहाँ क्यों नहीं है, दिल को है जानना अब तो यही बस तुम चले। तू है कहाँ ख्वाबों के शहर में, मेरा दिल तुझे ढूंढता ढूंढता, अरसा हुआ तुझको देखा नहीं, तू ना जाने कहाँ छुप गया छुप गया। लिरिक्स म्यूजिक वीडियो बाय आदिल रिज़वी। ओके ऑल राइट इसको लिखा है आदिल रिज़वी ने, म्यूजिक भी उन्होंने दिया है और वीडियो भी उन्होंने बनाया है, और इनका नाम है शुद्धि, है ना, अगर मैं गलत नहीं, आई एम सॉरी मैंने गलत ही क्लिक कर दिया, बोल भले ही ना गलत रहो, ठीक है। और ये मेरा एंटीवायरस भी आ गया, एंटीवायरस प्लीज चले जाओ मेरी लाइफ से, ये ऐसी ऐसी है। सो इसको गाया है शुद्धि म्यूजिक ने, लिखा है आदिल ने। देखो भाई मुझे तो वाइब्स आ गए भाई, ठीक है, लाइक उफ उफ भाई, मेरे को नहीं पता मैं क्या बोलूँ, मैं खाली इतना बोलूंगा कि रिप्लाई मेरे तो दिल पे लगा है सीधे, और मेरी आंखों में
मेरी आंखों में देखो तुम्हें सच्चाई से समझ आ जाएगा कि मेरे को ये गाना हिट करा है। जो रिप्लाई थे, पता है हम लड़के बहुत सॉफ्ट होते हैं, हमको बस इतना सा चाहिए होता है, इतना सा प्यार चाहिए होता है, हम उसके ऊपर टिक सकते हैं। ठीक है, इस गाने में बहुत गहरी बात नहीं थी, लेकिन वो इमोशनल बातें जो उधर से आया था, एक इमोशनल लड़के ने है ना अपनी अपनी लवर से है ना एक बात करी, और वो लवर ने जो उससे सच में प्यार करती है और हालात की वजह से अब साथ नहीं है, जो भी उनका रीज़न है, उसने दिल से रिप्लाई करा। मैं भी बोलूँगा बहुत गहरी बात नहीं है, लेकिन जो बात होती गहरी नहीं होती भाई, बातें गहरी गहरी बातें ना ढूंढो, इमोशनल बातें ढूंढो, दिल पे लगे सच्चाई ढूंढो। इस गाने में मुझे बहुत ज़्यादा सच्चाई दिखी, जैसे मुझे उस गाने में भी सच्चाई दिखी थी बहुत ज़्यादा। इस गाने में जो उन्होंने रिप्लाई करा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सच्चाई है। कुछ लाइनें तो बहुत ज़्यादा ही, चाल क्या चलूँ जिसमें मैं तुझे हार दूंगी, ठीक है, लाइक उफ उफ, ऐसी बातें करने वाली मिल जाए तो फिर तो मतलब और गुनाह भी माफ़। वो बात अलग है कि जो ऐसे बातें करेंगी वो गुनाह नहीं करने वाली, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत टच करा। अब तुम लोग के ऊपर है भाई, ये गाना कितना हिट होने वाला है कितना नहीं होने वाला है मुझे नहीं पता। पिछले वाला भी मुझे नहीं पता था कि तुम लोग उसको क्या करने वाले हो उसके साथ, इसका भी मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या करने वाले हो। मेरा काम था वीडियो बनाना, मेरा काम था इस गाने को सुनना, तुम तक पहुँचाना, मैंने पहुँचा दिया है। एंड नॉट एट ऑल अ पेड रिएक्शन, प्लीज डोंट थिंक दैट दिस इज अ पेड रिएक्शन। तुम लोग बताओ भाइयों कमेंट पे तुम लोग गाना कितना स्पेशल करा। अगर तुम्हारी वाली तुमको छोड़ के जाती है उसके बाद ये बातें कर देती और तुम्हें उसका पर्सपेक्टिव पता लगता कि उसका ये था, क्या तुम्हारे भी वही हाल होता जो अभी मेरा हुआ है? यानी कमेंट्स बताओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आईडी का नाम है @ofakyouknow। बाय, पीस।